उस्ताद ये जो बम्पर है ना ये लगेगा ब्लैक बीस्ट में, आप जरा सब उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सुबह हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, आपका भाई आज फुल ब्लैक में तैयार हो गया है शोरूम पे। और आज मिशन हमर बम्पर जो पिछले ब्लॉग में दिखाया था ब्लैक बीस्ट के लिए, आज हमर बम्पर वाला सीन तैयार है और आज उसकी फिटिंग है। तो अभी आए जी, टाइम हो रहा है तकरीबन 10:30 बज रहे हैं, तो जरगाम भाई ब्लैक भी जरगाम भाई के पास से वो आएगी 2 बजे तक इंशाल्लाह, और 2 बजे फिर उसको लेकर आएंगे और लेके जाएंगे फिर बम्पर फिट कराने, हमर बम्पर फिट कराने। बम्पर पड़ा हुआ है बाहर गाड़ी में, वो बाद में दिखाते हैं, फिलहाल थोड़ा बहुत काम है। जुम्मा गुजरा है तो भाई हफ्ते का दिन है, थोड़ा बहुत काम है वो फारिग करते हैं और फिर इंशाल्लाह जब ब्लैक बीस्ट आएगी फिर बम्पर भी दिखाते हैं और फिर लेके जाएंगे कहाँ से लगवाएंगे कैसे फिट करवाएंगे वो भी दिखाएंगे। अभी के लिए फिलहाल हम काम करेंगे, इजाजत दीजिएगा। An hour later. ये हमारे उस्ताद है, जरा देखे उस्ताद अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? उस्ताद ने व्हाइट बीस्ट का बम्पर लगाया था, अभी दिखाते हैं उसको ब्लैक बीस्ट का बम्पर लगाने के लिए। ये पड़ा है जी बम्पर। उस्ताद ये जो बम्पर है ना ये लगेगा ब्लैक बीस्ट में, आप जरा देखें हमें मशवरा दे कैसे लगेगा ये, तो लेके आए आपके पास फिर। उस्ताद मशवरा कर रहे हैं, आसिफ भाई भी खड़े हैं। आसिफ भाई आप क्या कहना चाहेंगे, ब्लैक बीस्ट में लगने जा रहा है सही है, ओके है ना? उस्ताद से भी थोड़ा और मशवरा रह गया, वो करके फिर बताएंगे क्या सीन है। नाजरीन बम्पर तो ले गए, उस्ताद को दे दिया, आज बम्पर नहीं लग सकता उसमें, वो इस वजह से क्योंकि बम्पर में जो फोग लाइटों के जो कवर थे ना वो इसके नहीं मिलते हैं, वो हमें इस पे जुगाड़ करके यानी मॉडिफाई करके लगाने पड़ेंगे, तो उसके लिए लगेगा टाइम। आज दे दिया, वो लाइटें वाइटें लगाएगा, फोग लाइटें सेट करेगा, प्लेटें व्लेटें और चेंज करेगा उसको, ओके करेगा। कल फिर ब्लैक बीस्ट को लेके जाएंगे और फिट कराएंगे। अभी हम अपना काम करते हैं, मिलते हैं फिर कल इंशाल्लाह आपसे। The next day. नाजरीन फॉर्चुनर आ गई है, जरगाम भाई लेकर आ गए, अभी लेके जाते हैं बम्पर वाले के पास। बम्पर भी बिल्कुल तैयार है, लाइट नहीं थी थोड़ा लेट हो गए इसलिए जरगाम भाई भी लेट है, वो लाइट वाला भी थोड़ा लेट सिस्टम हो गया, लेकिन खैर हो गया। अभी जरा लेके जाते हैं गाड़ी और बम्पर वाले के पास खड़ी करते हैं, छोड़ के आते हैं, बल्कि उसमें तो टाइम लगेगा, छोड़ के आएंगे और फिर रात को जाएंगे फिर चेक करेंगे, बीच बीच में अगर टाइम मिला तो चेक करेंगे, लेकिन फिलहाल लेके जाते हैं और खड़ी करते हैं और दिखाते हैं बम्पर कैसे लगता है। खड़ी है, बम्पर निकल चुका है और बकाया दूसरे बम्पर के सीन्स दिखाते हैं आपको। इस बम्पर में थोड़ी एडिटिंग हुई है, ये जो फोग लाइटों के जो मैंने कल बताया था कि ये थोड़ा सही होगा, ये फोग लाइट है दूसरी डली है, बाकी फिट होगा तो फिर ही दिखाएंगे। काम चल रहा है बिल्कुल स्पीड से, बम्पर उतार दिया, दूसरे बम्पर पे भी काम हो रहा है,
अभी इसमें लगेगा काफी टाइम, तो हमने जाना है शोरूम पे, शोरूम के भी काफी काम है। अभी उस्ताद से मिलते हैं, कितना टाइम लगेगा, फिर उस टाइम के मुताबिक वापस आएंगे ब्लैक बीस्ट के पास, जब तक बम्पर हो जाए कंप्लीट। कलर खराब हो गया, कलर हमने फजूल में करा दिया पहले, कलर खराब हो गया, कलर का एक आध दूसरा लगेगा, वो बात की कहानी है। फिलहाल चलते हैं शोरूम पे, उस्ताद से मिलवाता हूँ, फिर जाते हैं शोरूम। ये जी उस्ताद, उस्ताद कितना टाइम लगेगा, क्या क्या लाओगे ये बताओ? ये 8 से 10 बज जाएंगे। चल झूठा, 8 से 10 बज जाएंगे, 2 घंटे फिर ज्यादा नहीं बोलो, आरडी बजाना है तो ही अच्छा है। दूसरी बात ये, 8 से 10 बोल, फिर वो मेरे, वो जो मेरे वाले बीस्ट में जो टोपियां कराई थी वो नहीं होनी चाहिए, थोड़ा जल्दी करो। अच्छा चल ठीक है, इसमें थोड़ा जल्दी करो, इंडिकेटर लगेंगे इसमें, वो फोक लाइट है वो आप ला के लगा दो, और इंशाल्लाह हम आपसे मिलते हैं 8 बजे। अभी मैं और आसिफ भाई जाएंगे शोरूम पे, बस ये लगा दो, बस ये लगाओ, फिर मेरे को फोन करो, ठीक है? अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं रात में आपसे। 5 hours later. नाजरीन, सीन्स कुछ ऐसे हैं कि भाई बम्पर वाले ने अभी फोन किया, बड़ा खतरनाक झटका दिया, 8 बजे बोला बस लगने वाला है। अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं भाई, 9:30 हो रहे हैं तकरीबन। अभी बोला भाई बम्पर नहीं लग सकता, झटका दे दिया, कारी भी आ गया, जरगाम भाई भी आ गया, अभी फटा होगा वो आ जाएगी। मेरे तो बिल्कुल अटी हुई है, ये नहीं समझना कि मैं तुम्हारे सामने हंस रहा हूँ, अंदर से फुल जली हुई है मेरे, बाहर जाके ना जरा दिखाते हैं। और जाके शोरूम तो बंद कर लिया है, जाएंगे बम्पर वाले के पास, या तो बम्पर लगा के देगा या तो फटा होगा, जो चीज होगी आपको दिखाएंगे। मैं और जरगाम भाई जा रहे हैं, कारी भी साथ है, उस्ताद को भी लेके जाएंगे, फटा खतरनाक होने वाला है, साथ रहना, उस्ताद भी कूटेगा इसको। नाजरीन, तो सीन्स कुछ ऐसे है कि भाई थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई, और ब्लैक बीस्ट का जो हमर बम्पर है वो नहीं लग पाया, वो इसलिए क्योंकि पता नहीं क्या सीन था, मुझे खुद समझ नहीं आया। उस्ताद कल बम्पर लेकर गया आपके सामने भाई, बम्पर लेकर गया, आज भी 4 से 5 घंटे में खड़ा रहा, इसने बम्पर वम्पर सारा चेक कर लिया है, बोला लग जाएगा। एंड टाइम पे जब हम 8 से 9 बजे गए तो बोला है बम्पर में फ़र्क है, नहीं लग सकता, तो भाई मिशन फेल्ड हो चुका है, बम्पर नहीं लगा, गर्मा गर्मी भी बेकारी को एक चबाड़ पड़ी है। तो अभी ब्लैक बीस्ट आ रही है भाई, सरगाम भाई खाना लेने गए, थोड़ी मुमारी हुई, भूख लग गई, खाना लेकर आएंगे और फिर बताएंगे कि ब्लैक बीस्ट के साथ क्या सीन हुआ है, पुराना बम्पर वापस लगा दिया वो चेक करेंगे आपको। ब्लैक बीस्ट इज हेयर, दिखाते हैं बार सीन्स क्या हो रहे हैं। ये है जी ब्लैक बीस्ट, इसके अभी ओरिजिनल बम्पर वापस लग चुका है वो वाले, यहाँ जो इसके फेंडर्स पे ना थोड़ा मसला आ रहा था, वो बम्पर नहीं लग पा रहा था, प्लेटें लग गई है बम्पर की, बम्पर छोड़ के प्लेटें लगा दिए, वापस अपने ओरिजिनल हालात में आ गई है, वो बम्पर कैंसिल हो चुका है। मतलब ये जो ब्लैक बीस्ट है वाइट बीस्ट के मुकाबले कभी भी नहीं आ सकती है, ये इसका लेवल है यार, कारी लाइट बंद कर चेक करो, इसके मुकाबले नहीं आ सकती, फेल हो गई। ऊपर चलते हैं खाना खा के फिर बात करते हैं। खाना खा लिया है भाई, अब थोड़े फ्रेश हो गए, जरगाम भाई का दिल टूट गया है इसलिए केक खा रहा है, खाने के बाद कुछ मीठा, और ये बंदा भूखा बंदा है ये। तो भाई फॉर्च्यूनर का बम्पर नहीं लग पाया, अभी सोचेंगे जरगाम भाई फिर क्या लगवाएंगे इसके बाद यार, दोबारा यही नहीं बनवाया, लेक्सिस की किट वो देखते हैं बाद में, जरा इस पे सोचते हैं क्या बनेगा क्या नहीं, गर्मा गर्मी बहुत हो गई है। बात सारी ये आती है कि भाई व्हाइट जो बीस्ट है ना वो बीस्ट है, ब्लैक बीस्ट इसका मुकाबला नहीं कर सकती, तो इस व्लॉग को करते हैं यहाँ एंड, दुआओं में याद रखना है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।